हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम कंस्ट्रक्शन साइट को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे कॉलम के सहारे बिल्डिंगों को सौ सौ मंजिलों तक तो खड़ा कर दिया जाता है। हम जानेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टावर के थ्रू, मतलब कि कॉलम के थ्रू ही, कॉलम पर खड़ा करके ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा कर दिया जाता है, हम जानेंगे। और जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं हूँ अभी, ये भी बिल्डिंग 70 मंजिल, मतलब कि 70 फ्लोर का बनने वाला है। और फिलहाल अभी ये 4 फ्लोर का बना है और एक सेलर है, मतलब कि अंडरग्राउंड है एक, और 4 फ्लोर है इसके ऊपर, तो टोटल 5 है। और ये अभी 70 फ्लोर का बनने वाला है। तो जानेंगे आज के इस ब्लॉग में कैसे कॉलम के थ्रू बिल्डिंगों को खड़ा किया जाता है, कैसे बीम दिया जाता है, बॉटम, ये सारा कुछ जानेंगे हम आज के इस ब्लॉग में। कैसे सेटरिंग किया जाता है, कैसे सरिया बांधा जाता है, सब कुछ आज के इस ब्लॉग में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम कैसे खड़ा किया जाता है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी जिस फ्लोर पे हूँ, यहाँ पर कॉलम को खड़ा कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसके ऊपर जो है टोपी यानी कि कैप को लगा दिया गया है और बॉटम को भी लगा दिया गया है, कुछ इस तरह का है। देखते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है यहाँ से यहाँ तक स्टार्टर है, यानी कि ये इसका बेस है। यहाँ से यहाँ तक पहले इस बेस को कंक्रीट किया जाता है और उसके बाद फिर इसके इसके चारों तरफ सटरिंग किया जाता है, जिसे यहाँ पर फलका बोला जाता है और प्लाई प्लाईवुड का होता है, प्लाई का, उसको उससे सटरिंग किया जाता है। फिर देख सकते हो आप, यहाँ से इतना बड़ा लगभग 8 फीट का कॉलम खड़ा कर दिया गया है। आपको दूर से दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते हो 8 फीट का कॉलम खड़ा कर दिया गया है। कॉलम इसी तरह सभी कॉलम को खड़ा किया गया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी, हर जगह इस साइड में भी देख सकते हो, चारों तरफ है कॉलम को खड़ा किया गया है। और इसके बाद लिफ्ट का काम दिखाता हूँ मैं आपको, लिफ्ट कैसे, लिफ्ट का भी सेम यही प्रोसीजर है। पहले इसका स्टार्टर यानी कि बेस को लगाया जाता है, कुछ इस तरह का है ये, जैसा कि आप देख रहे हो भाई। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टर को लगाया गया है, यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से इतना दूर तक, यहाँ से इतना दूर तक, यहाँ पर ये स्टार्टर यानी कि बेस पहले इसका किया गया है। बेस क्यों किया जाता है, मैं आपको बता दूँ। बेस इसलिए किया जाता है, जब हम इसमें सटरिंग करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये जो है नीचे वाला जो है अंदर ना चला जाए, ये यहाँ से रोके रहेगा इसको, और ऊपर फिर सटरिंग किया जाएगा, यह यहाँ से इसके अंदर ना चला जाए, क्योंकि काम 0-0 होता है, MM में काम होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगर इसको नहीं, स्टार्टर को, बेस को किया जाएगा, तो दोनों तरफ से जो है अंदर चल जाएगा और सटरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आएगी, तो इसलिए पहले इसको किया जाता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर सटरिंग किया जाता है प्लाई से। ये हो गया, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये है लिफ्ट, कुछ इस तरह का है लिफ्ट, दो दो लिफ्ट है, एक यहाँ पे है लिफ्ट, और एक यहाँ पर है लिफ्ट, सभी इसी तरह कह देता है। और ये जो आप प्लाई देख रहे हो, कुछ इस तरह का लिफ्ट है ये, है ना। और ये जो आप देख रहे हो प्लाई, इसी से शटरिंग किया गया है इस लिफ्ट का, ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको सीढ़ी का भी बता देता हूँ, सीढ़ी से पहले, हाँ सीढ़ी का बता देता हूँ, सीढ़ी कुछ इस तरह किया जाता है, सीढ़ी का जो मेज़रमेंट है दे दिया जाता है, उसके बाद हम इसे जो है, ये वाला जो है, ये इसे बोलते हैं यहाँ पर
स्टेप स्टेप बोलते हैं, और इसे यहाँ पर देसी भाषा में टप्पा बोला जाता है। जब इसका पूरा मेजरमेंट ले लिया जाता है तो साइड से हम यहाँ पर लेवल लेवल बोतल होता है उससे हम लेवल करते हुए वहाँ पर इस दीवार के ऊपर निशान लगा देते हैं। इस दीवार के ऊपर निशान लगाते जाते हैं, जैसे कि यह यहाँ पर निशान लगा देंगे यहाँ पर, और उसको इसी तरह यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर लगा के इसमें मार देंगे, इसको सेट कर देंगे। तो उसी तरह वहाँ से शुरू से करते हुए यहाँ तक हम आ जाएंगे। इसका सबसे इसका सीरी का जो काम होता है, इसका सब ड्राइंग में सब दिया होता है कि कितना स्टेप लगेगा इसमें, वो सब दिया जाता है। हमें सिर्फ इसमें मेजरमेंट करके लगाना होता है कि इतना 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 करके यहाँ पर पूरा आ जाएगा यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक। और उसके बाद हम सेट कर देते हैं, और उसके बाद ये कॉन्क्रीट हो जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं फिर से कॉलम पर। ये आपको मैं कॉलम दिखाता हूँ। कॉलम करने के बाद जब हम इसको कॉलम कर देते हैं तो इसको इसके बाद फिर हम ये जो आपको देख रहे हो यहाँ पर ये वाला, इसे हम कैप बोलते हैं, यानी कि देसी भाषा में टोपी बोला जाता है। इसको सबसे पहले लगाते हैं। इसको लगाने के बाद इसी इस ऐसा वाला हमें सभी सभी जगह मेजरमेंट दिया जाता है कि यहाँ पर लगेगा इतने इतने इंच का लगेगा। सभी मेजरमेंट आपको ड्राइंग में मिल जाता है। इसी तरह सभी जगह लगाने के बाद हम फिर ये जो है ये वाला बेस, इसे हम बोलते हैं बॉटम, क्योंकि इसी के ऊपर बीम जाएगा। तो इसको लगाते हैं, कुछ इस तरह का है बीम, हर जगह बीम देख लो आप, खड़ा कर दिया गया है। और ये जो है ये इसे यहाँ देसी भाषा में टेका कहा जाता है, देख सकते हो इस तरह है कुछ टेका, सभी जगह लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग के ऊपर सभी जगह कॉलम हो चुका है, कैप लग चुका है, और बॉटम भी लग चुका है। अब इसके बाद जो लगेगा बॉटम के बाद, इसके दोनों साइड में साइड लगेगा, क्योंकि जो बीम जितने का होगा उतने का साइड लगेगा। यहाँ पर 19 इंच का शायद लगेगा साइड, मेरे को मालूम नहीं है कितने का है, जितने का भी होगा मेजरमेंट ड्राइंग में दिया होगा उतने का लग जाएगा साइड। और साइड लगने के बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। साइड लगने के बाद जो है, और उस वीडियो पर जाता हूँ वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर इसका जो काम है पूरा हो चुका है। उस बिल्डिंग पर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से दोस्तों बनता है यहाँ पर 70-100 फ्लोर का बिल्डिंग। और दोस्तों सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, बिल्डिंग के चारों तरफ नेट लगा हुआ है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब ऊपर से जो है यहाँ से जब इसको शटरिंग को खोलेंगे तो कोई लकड़ी वगैरह प्लाई वगैरह कोई नीचे ना गिर जाए, डायरेक्ट नीचे ना गिर जाए। इसलिए जब लकड़ी कोई गिरेगा तो इसके ऊपर आके रुक जाएगा, इसलिए इसको लगाया जाता है नेट को सेफ्टी के लिए। और मैं जब जो आपको बता रहा था बॉटम के बाद क्या होता है, बॉटम के बाद देख सकते हो दोस्तों ये होता है कुछ इस तरह का। यहाँ पे तो दूसरी साइड लगा हुआ है क्योंकि अभी इस साइड में भी लगेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे तो अंधेरा है। ऊपर चलते हैं, ये भाई देख सकते हो सीढ़ी का काम हुआ है इस तरह कुछ। हाँ मैं आ गया ऊपर, और अभी देख सकते हो भाई अभी सीढ़ी का काम यहाँ पर भी चालू है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ी का काम यहाँ पर अभी हो रहा है कुछ इस तरह से। पहले मेजरमेंट किया जाता है और इसको स्लेब वाइज बनाया जाता है, उसके बाद स्टेप स्टेप लगाए जाएंगे इसके ऊपर। जब ये सरिया बांध दिया जाएगा तब इसके ऊपर स्टेप यानी कि टप्पा इसके ऊपर लगाया जाएगा, उसके बाद कॉन्क्रीट किया जाएगा। मैं आपको बता रहा था साइड के बारे में, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये है बॉटम, ये बॉटम है कुछ इस तरह का। बॉटम देख सकते हो हर जगह लगा हुआ है ना, पूरे बिल्डिंग पर लगा हुआ है बॉटम। तो बॉटम के बाद जो है ये वाला साइड है,
ये वाला साइड यहाँ से भी लगेगा और दूसरी तरफ से तो लगा हुआ है अभी, तो इस साइड से भी लगेगा, ये बीम बन जाएगा, यहाँ से बीम बन जाएगा। और ये जो सरिया देख रहे हो आप, ये वाला सरिया इसके नीचे अंदर आ जाएगा। और देख सकते हो सरिया यहाँ पर बांध दिया गया, चारों तरफ सरिया बांध दिया गया इसे बीम के लिए। ये सारा बीम जो है नीचे गिरा दिया जाएगा, इसके नीचे गिरा दिया जाएगा। इसके इसको गिराने के बाद, साइड लगाने के बाद जो है शटरिंग का काम होता है, हमें ये करना पड़ता है, बिल्डिंग प्लेट को लगाना होता है, यानी कि इसे देसी भाषा में गल्ला बोला जाता है। हाँ, गल्ला बोला जाता है, यानी कि स्लैब को हम ढक देते हैं प्लेट से, प्लेट से या प्लाई से, दोनों तरह से ढका जाता है। कहीं कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर प्लाई से ढका जाता है, और किसी साइड पर प्लेट से ढका जाता है। और यहाँ पर प्लेट से ढका गया है, कुछ इस तरह से प्लेट है ये, इस तरह से पूरा इसको ढक दिया जाता है। और नीचे कुछ इस तरह से टेका लगा दिया जाता है, कुछ इस तरह से। और ये करने के बाद फिर ऐसा करने के बाद जब फिर इसके ऊपर सरिया का काम होगा, सरिया बांध दिया जाएगा, फिर काम पूरा हो जाएगा। सरिया बांधने के बाद पाइप पाइप वाले आते हैं, पाइपलाइन बिजली वाले आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, और इसके ऊपर अपना पाइप बिछा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और उसके बाद फिर कंक्रीट वाले आते हैं और वो कंक्रीट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये सिलिका यानी कि स्ट्रियर का काम हुआ है। यहाँ से जो है, यहाँ से और यहाँ तक का मेज़रमेंट आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। इसको करने के बाद आप इस कुछ इस तरह का प्लेट बिछा देते हो इसके ऊपर। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप आप को मेज़रमेंट करना होगा। और यहाँ से कुछ इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके यहाँ पर देसी भाषा में टपक आ जाता है, यानी कि स्टेप को लगा दिया जाता है। और उसके बाद फिर इसके अंदर कॉन्क्रीट को भर दिया जाता है, बस काम हो गया। सीढ़ी का ये कुछ इस तरह से किया जाता है। और लिफ्ट को भाई देख सकते हो, लिफ्ट का काम कुछ इस तरह से हुआ है। और जो फिर उसके ऊपर सरिया फिर से आएगा, कुछ इस तरह से सरिया लगा दिया गया। और फिर इसको इसको प्लाई से शटरिंग कर दिया गया है, क्योंकि उसमें फिर कॉन्क्रीट आएगा ना, इसमें अंदर कॉन्क्रीट आएगा। कुछ इस तरह से काम हुआ है लिफ्ट का। और ऐसा वाला बोर्ड जो है ना, ऐसा वाला बोर्ड, ये वाला बोर्ड आपको हर जगह हर तरफ मिलेगा, मतलब कि हर, क्योंकि इसका जो ज़रूरत होता है हर जगह होता है, इसलिए ऐसा वाला बोर्ड आपको हर जगह मिल जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे देसी भाषा में खपाड़ा बोलते हैं। और इसको कुछ इस तरह से सड़े के ऊपर रख दिया जाता है, और इसके ऊपर खड़े होके अपना काम किया जाता है। और जो और जब जब ये जो बिल्डिंग जो है खड़ा हो जाता है, जैसे कि नीचे खड़ा हो चुका है, तो खड़ा होने के बाद जो हम इसको दीवार इसका करते हैं, चारों तरफ से इसको चारों तरफ से इसको जो, और लिफ्ट को दिखाता हूँ भाई कितना नीचे तक है, देख सकते हो भाई कितना दूर तक लग है। अभी ये सिर्फ 5 मंजिल ऊपर चढ़ा है, यानी कि 5 फ्लोर ही ऊपर आया है। और देख सकते हो भाई कितना कुएं से भी ज़्यादा गहराई है इसकी। और जैसा कि आपको नेट दिखा रहा था मैं, ये नेट है कुछ इस तरह का नेट। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे दीवार को, जब ये पूरा काम हो जाता है, ये कंक्रीट हो जाता है, ऊपर से कंक्रीट हो जाता है, यानी कि एक फ्लोर जब बन जाता है, तो उसके बाद फिर कौन सा काम होता है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे चलते हैं। और ये जो पाइप है, कुछ इस तरह का पाइप आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी का तो ज़रूरत होता ही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है पानी का। और एक चीज़ आपको दिखाना, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर जो है ना, एक और चीज़ बना हुआ है यहाँ पर, स्विमिंग पूल भी बना हुआ है।
दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को जो मिल रहा है, यह है स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल बनेगा, कुछ इस तरह का स्विमिंग पूल है, ये देख सकते हो भाई। बहुत ही ज़्यादा इसमें बड़ा दीवार को खड़ा किया जाएगा कंक्रीट से, और यह है पानी इसके अंदर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और ऊपर देख सकते हो बिल्डिंग है, कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और ये ऊपर नेट भी लगा हुआ है। और वो जो आपको देख रहे हो ना, वहाँ पर जो देख रहे हो ना, उसमें वो है लिफ्ट, उसी से कंक्रीट ऊपर लेके जाया जाता है और कंक्रीट किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, जब एक फ्लोर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं हम देसी भाषा में बेला। इसी से दीवार को खड़ा किया जाता है यहाँ पर, ये जो है बेला। पहले जब आधा हो जाता है यहाँ तक होने के बाद इसको यहाँ से फिर कंक्रीट किया जाता है, शटरिंग करके कंक्रीट किया जाता है। क्योंकि ये जो बेला है ना, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है ये। क्योंकि ये जो बनता है ना, पता नहीं किससे बनता है, मुझे लगता है ये जो कोयला होता है ना, उसको जलने के बाद जो उसका राख बचता है ना, उसी से इसको बनाया जाता है। बड़े बड़े जो NTPC होते हैं, मतलब कि जहाँ पर बिजली घर होता है, कोयले से बिजली बनता है, वहाँ पर इसके जो राख हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वहीं से इसको ला करके कुछ इस तरह का बेला बना दिया जाता है, मतलब कि ईंट बना दिया जाता है। और इसको फिर इसको इसलिए यूज करते हैं यहाँ पर, इसको जो है इसलिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसका वेट जो है बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। और जो बिल्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा हाइट का होता है, इसलिए इसको वेट को कम करने के लिए इसको लगाया जाता है, ताकि बिल्डिंग जो है नीचे नीचे धस ना जाए। तो कुछ इस तरह से रूम बनाया जाता है। रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से रूम है यहाँ पर बना हुआ। अभी कंस्ट्रक्शन में है भाई, अभी काम पूरा नहीं हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। ये देख सकते हो यहाँ पर भी इसको कंक्रीट किया गया है आधा करके, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत हल्का होता है, हिलता है बहुत है। कुछ इस तरह से बना दिया गया है ना, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइड का ब्लॉग देखने में आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।